स्मृति चिन्ह प्राप्त करें और निवेदन करूँ आयोजक समिति आकर स्मृति चिन्ह देगी। इधर आ जाए आयोजक समिति, सभी आयोजक समिति आकर हमारे नरेंद्र मेहता जी जो MLA मीरा बहिंदर से हैं उनको स्मृति चिन्ह यहाँ आप दे जाए। और हमारे आयोजक समिति की ओर से नरेंद्र मेहता जी को स्मृति चिन्ह देते हो जो गाता रहा है पुनः धन्यवाद। और निवेदन करूँगा कि 2 शब्द इस कार्यक्रम के लिए अवश्य कहेंगे, आप सब खड़े रहें और उसके बाद में हम सभी चलेंगे कथा प्रति। जी बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व शांति एवं मानव कल्याण हेतु आज की इस भागवत कथा के कथाकार मंच पर विराजित मैं सबसे पहले व्यास पीठ परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। मैं संस्था के सभी पदाधिकारियों का दिल से अभिनंदन करता हूँ कि आज आप सबके माध्यम से देवकीनंदन जी महाराज का यहाँ पधारना हुआ। यह हमारे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है मीरा महेंद्र के वास्ते के लिए कि आपका आगमन इस शहर में हुआ। धरती भी धन्य हुई और आपके कथा के माध्यम से जीवन में भी हमारे परिवर्तन आएगा ऐसा मेरा मानना है। मैं क्षमा याचना भी चाहता हूँ, सही मायने में मुझे दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित किया गया था महाराज जी, लेकिन अचानक कल विधान परिषद के चुनाव थे और मुझे जाना था, इसलिए मैं उस दिन आ नहीं पाया। इसलिए दिल से क्षमा याचना भी करता हूँ, लेकिन ये मन में था कि इतने बड़े महान कथाकार इस शहर में आए हैं, अगर मैं नहीं जा पाया तो मेरा इससे बड़ा दुर्भाग्य भी हो सकता है। इसलिए आज खास दीपमाल खोलने के कितने बजे आओ कितने बजे आना जरूरी है क्योंकि सोमवार से फिर अधिवेशन चालू हो रहा है, मुझे जाना है। लेकिन देवकीनंदन जी महाराज की कृपा इस मीरा महेंद्र पर बनी रहेगी, उनके आशीर्वाद में उनके सानिध्य में हम बहुत कुछ यहाँ से ले जाएंगे। मैं सभी हमारे शहरवासियों को ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और मैं तो दिल से ये मानता हूँ कि भगवान जब सच्चे मन से हम याद करते हैं तो किसी न किसी रूप में हमारी सेवा के लिए उपस्थित होते हैं और हम सब तो निमित्त है। मैं भी यहाँ आना ये मेरा मानना है, इस कथा में उपस्थित होना ये भी मेरा मानना है कि ऊपर वाले की इच्छा थी, शायद उस दिन की इच्छा नहीं रही होगी, आज की भी इसलिए मैं उस दिन नहीं आया और आज आया। तो बस सदैव आपका स्नेह प्रेम मिलता रहे। मैं फिर बार सभी एक बार आयोजकों का दिल से अभिनंदन करता हूँ और इस सेवा के अंदर मैं कहीं भी अगर छोटा भी कण भर भी अपने आप को निमित्त बना पाया तो ये मेरा शायद जीवन का सौभाग्य रहा होगा, ये मेरा पुण्य रहा होगा कि इसमें मैं कतरा भर भी निमित्त बना। एक बार फिर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम सब चलें कथाक्रम की ओर और सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। जो भी कार्यकर्ता बीच में खड़े हैं वो एक एक पॉइंट पर केवल खड़े होकर बाकी सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और शांति के साथ में भागवत कथा की हम सभी द्वितीय दिन में और इस आयोजन की तृतीय दिन में प्रवेश करें। पुनः निवेदन आप सभी को कर दूं कि